ये क्रेन 2004 में बनी थी, कोटा राजस्थान। मेरे पिताजी ने बनवाई थी ये। इसके इंजन के अंदर ही हाइड्रोलिक पंप, हाइड्रोलिक वीडियो लगा हुआ है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी मैकेनिक भाइयों का हमारे इस चैनल पर। बहुत सारे कमेंट आए कि करेंट के बारे में कुछ जानकारी दीजिए, तो करेंट के बारे में हम इसी वीडियो में आज आपको बताने वाले हैं कि इसमें कितना खर्चा आता है करेंट में इसको बनवाने के लिए, और ये जुगाड़ जो बनाया है हमने इंजन उतारने का, तो इसके बारे में हम बताएँगे, और इसकी लेबर चार्ज क्या होती है एक इंजन उतारने की, वो सब हम इसी वीडियो में बताने वाले हैं आपको। और अभी हमने ये इंजन खोला है इस गाड़ी का, टिप्पर का, अशोक लेलैंड का टिप्पर है, इसका हमने इंजन खोला है क्योंकि इंजन में आवाज़ आ रही थी। किस कारण से इंजन खुला है और इसका फिटिंग का वीडियो भी हम इसी चैनल पर डालेंगे, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। इसका पूरा ओवरऑल का वीडियो डालूंगा, और पहले भी हमने वीडियो डाली थी, आपने देखी होगी इंजन ओवरऑल की, तो अगर आपने नहीं देखी है तो आई बटन पे जाके आप देख सकते हैं, वहाँ पे मिल जाएगी। और इसका वीडियो भी, जो चीज़ उसमें नहीं दिखाई वो चीज़ हम इसमें दिखाएंगे आपको पूरी डिटेल से, पूरी डिटेल से वीडियो बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अभी खुलाई चालू है इंजन की। इंजन किस कारण से खुला था, इंजन में क्या प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि इंजन क्या कम ऑयल में चल गया था, इसका ऑयल ख़त्म हो गया था, कम गेज होने की वजह से ऑयल का इसका इंजन सीज हो गया था, इंजन से आवाज़ आ रही थी इसलिए इंजन उतारना पड़ा इसका। फिलहाल ये इंजन के बारे में तो आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मैं बताऊंगा पूरी डिटेल में, फ़िलहाल हम क्रेन के बारे में जान लेते हैं। ये क्रेन है हमारी, ये जुगाड़ 2004 में बना था। इसमें चेचिस जो है, जीप का चेचिस है, जो महिंद्रा की जीप आती थी पुराने मॉडल की, और इंजन भी वही है इसका, और इसके अंदर रेडिएटर वगैरह ये सब इंजन जीप का ही है, रेटर भी जीप का है, और पीछे इसमें स्टीयरिंग का सिस्टम पीछे की तरफ है, फ्रंट एक्सल जो कि स्टीयरिंग कटती है इससे पीछे के टायरों से। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें आप ये देख सकते हैं एक्सीलेटर पेडल है यहाँ पे, ये भी जुगाड़ है, और ये ब्रेक क्लच आप देख सकते हैं, गियर लीवर यहाँ पे लगा हुआ है, ये चाबी स्विच, इग्निशन ऑन का पूरे तरीके से जुगाड़ से बनाया हुआ है, अल्टरनेटर मीटर लगा हुआ है इसमें, एम्पायर मीटर जिसको बोलते हैं, और ये इसका लिफ्ट का वाल है, जैसे कि हाइड्रोलिक जैक इसमें लगा हुआ है आप देख सकते हैं, और पूरा पीटीओ सिस्टम इसका इंजन से ही है, गाड़ी स्टार्ट होगी तभी ये काम करेगा। और अभी हम इस इंजन को आपको उतार के बताएंगे किस तरीके से हम इसको उतारते हैं, और इसको उतारने का लेबर चार्ज 1000 रुपये है। ठीक है फ्रेंड्स, उतारने और चढ़ाने के 1000 रुपये इसकी लेबर है, और इसको बनाने के लिए फ्रेंड्स ज़्यादा खर्चा नहीं आता है, कम से कम एक लाख बीस हज़ार के समथिंग इसमें खर्चा आता है, इससे थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, लमसम यही आता है। ठीक है फ्रेंड्स, और अभी ये क्रेन स्टार्ट करके हम इसको गियर को बाहर निकालेंगे, इंजन को बाहर निकालेंगे, इससे मतलब गियर भी उठा सकते हैं, क्रोन उठा सकते हैं, और भी बहुत काफ़ी सारी चीज़ें इससे उठा सकते हैं। इसका वेट उठाने का तकरीबन 1 टन के आसपास इसकी उठाने की क्षमता हो सकती है फ्रेंड्स, ज़्यादा वज़न भी नहीं उठा सकता है, लेकिन इंजन उतारने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहती है ये, इसको बोगी भी बोल सकते हैं आप,
बग्गी आती है ना बग्गी, तो वही यही सिस्टम है इसके अंदर। और अभी हम इनसे बात करेंगे जिनकी करेन है, आपको बताएंगे कि किस तरीके से इनके पिताजी ने बनाई थी। ये हमारे भाई है, तो यहाँ पे सभी भाई है और हमारे इंडिया के अंदर तो काफ़ी दिमाग है लोगों में, बस पढ़ाई की कमी है थोड़ी सी, क्योंकि इंसान पढ़ाई कम करता है और जुगाड़ ज़्यादा कर लेता है यहाँ का। हमारे यहाँ पे शिक्षा की कमी है, इल्म की कमी है, बाकी और सब में दिमाग इतना तेज है कि जुगाड़ से कुछ भी बना सकते हैं। और आपने बहुत सारे जुगाड़ देखे होंगे, काफ़ी सारे जुगाड़ की वीडियो भी देखी होगी आपने, लेकिन इस तरह के जुगाड़ ये उनमें से एक है। ये क्रेन 2004 में बनी थी, कोटा राजस्थान, मेरे पिताजी ने बनवाई थी। इसके इंजन के अंदर ही हाइड्रोलिक पंप, हाइड्रोलिक रिक्यो लगा हुआ है, हाइड्रोलिक जेक लगा हुआ है, ये सिस्टम लीवर वगैरह दे रखे हैं इसके नीचे। यहाँ पे इंजन के अंदर ही पंप फिट हुआ हुआ है। जीप का इंजन है, स्टेयरिंग वगैरह सब जीप की है। ये पूरा चेचिस वगैरह बनवाना पड़ता है इसके लिए। ये अपन इंजन बाहर निकाल रहे हैं, जैसे चेन एन बन के फिर बाद में इंजन को बाहर निकालते हैं। सर जी, आपके पिताजी का नाम तो बता दो। रंजीत सिंह चौहान। और आपका? राम सिंह चौहान। फ्रेंड्स, आपने काफ़ी सारे जुगाड़ देखे होंगे, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के अंदर अधिकतर जुगाड़ ही बनाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और वो जुगाड़ भी ऐसे मजबूत होते हैं कि सालों साल कुछ नहीं बिगड़ते। अब ये क्रेन कितनी साल पुरानी है आप लोगों ने देखा, 2004, और अभी तक इस क्रेन का कुछ भी नहीं बिगड़ा है। मतलब यहाँ के जुगाड़ भी सक्सेस है, बस यहाँ पे इल्म की कमी है, यानी कि ज्ञान की कमी, शिक्षा की कमी है, बाकी लोगों के पास दिमाग बहुत है ना फ्रेंड्स। आप लोगों ने बहुत से रिलेशन में देखा होगा, और काफ़ी सारे रिलेशन में यही सबको बताया जाता है कि ज्ञान हासिल करो, इल्म हासिल करो। इस्लाम धर्म में भी यही बताया गया है कि इल्म जहाँ से मिले वहाँ से ले लो, चाहे तुम्हें चाइना से मिले या कहीं से भी मिले, इल्म हासिल करो। लेकिन हमारे यहाँ पे इल्म की कमी है, पढ़ाई की कमी है, बाकी जुगाड़ तो माशाल्लाह काफ़ी सारे बन जाते हैं यहाँ पे। खैर फ्रेंड्स, ये क्रेन आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और क्रेन के बारे में और भी कुछ जानना है आपको तो हमें आप बता सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी बता सकते हैं वहाँ से मैसेज करके। काफ़ी लोग हमसे कहते हैं कि आप फ़ोन नंबर दीजिए, फ़ोन नंबर डालिए, तो हम फ़ोन नंबर नहीं डाल सकते फ्रेंड्स। फ़ोन नंबर डाले थे तो काफ़ी सारे फ़ोन कॉल आए थे, तो काफ़ी दिक्कत आ जाती है फ्रेंड्स। शॉप पे काम भी रहता है काफ़ी सारा, तो उसमें फिर फ़ोन उठाएंगे बात करेंगे तो काफ़ी दिक्कत आती है फ्री टाइम में बात करना। तो आप इंस्टाग्राम पे भी हमसे मैसेज करके बात कर सकते हैं। बबलू आई से बात करने के लिए भी आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो और वहाँ से आप हमें मैसेज पर बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका इंजन ओवरऑल का वीडियो भी काफ़ी जल्दी आने वाला है, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। ये इंजन उतर चुका है, गाड़ी से बाहर आ चुका है, इसकी खुलाई हो रही है, और नेक्स्ट वीडियो काफ़ी जल्दी आने वाली है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में हम बताने वाले हैं
के फ्रेल सेंसर, क्रेम सेंसर, कैम सेंसर और काफ़ी सारे सेंसर आते हैं गाड़ी के अंदर, PS4 के अंदर। तो वो किन कैसे चेक किए जाते हैं और वायरिंग कैसे की जाती है PS4 की, तो अभी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है। फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको पूरी डिटेल में हम बताने वाले हैं बूस्ट प्रेशर सेंसर का क्या काम है, कोमल रेंज सेंसर का क्या काम है, सभी जानकारी हम इस चैनल पर देने वाले हैं। तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, थैंक यू। सेंसर वायरिंग अगर ये तकलीफ करेगी तो गाड़ी मिसिंग करेगी, स्टार्ट।